हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जब सबमर्सिबल मोटर चलते चलते बंद हो जाती है तो उसके अंदर क्या दिक्कत आ सकती है। ऐसी प्रॉब्लम कुछ हमारे साथ आई है तो हम आपको बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको पता लगेगा कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम जब स्टार्टर को ऑन किया तो पता चला कि जो एम्पियर मीटर वाली जो निडल है वो थोड़ी सी हिलती है और 1-2 एम्पियर लेता है मोटर, और कोई भी दिक्कत सामने नहीं आता। जब ऊपर लाइन के अंदर देखते हैं तो पानी भी नहीं देता है मोटर और मोटर भी चलता हुआ लगता है। जब हम सीरीज लैंप से हम ऊपर से उसको मोटर को चेक करते हैं तो मोटर भी सही निकलती है, सही बोलती है, और फिर भी पानी ऊपर नहीं आता है और ना ही कोई एम्पियर बढ़ता है। और एम्पियर जो पहले लेती है 7-8 एम्पियर या 9 एम्पियर लेती है 1.5 HP की मोटर, जो कि वो अभी कुछ भी 2 या 1-2 एम्पियर ले रही थी और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऊपर से प्रतीत लगता है कि मोटर चल रही है लेकिन रियल के अंदर पानी ऊपर नहीं आता है। तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्टर को चेक कर लेना। स्टार्टर बिल्कुल सही था, ओके है। उसको चेक करने का एक ही तरीका है कि आपको केवल मोटर को चेक करना है तो स्टार्टर को हटाकर आप कैपेसिटर लगाकर अलग से मोटर को चलाकर देख सकते हैं। तो वही दिक्कत है, चलाकर देखा फिर भी पानी ऊपर नहीं आया तो हमने मोटर को निकाला। मोटर को आपको निकालना ही पड़ेगा। निकालने के पता चला कि इसके ऊपर का जो पंप होता है, मोटर के ऊपर पंप लगता है, उसका जो बीच का शाफ्ट होता है वो यहाँ से टूट चुका है। जहाँ से मोटर घूमती है, इसको पंप को घुमाती है, वहाँ से जो शाफ्ट है उसकी टूट चुकी है। तो इसलिए जो केवल मोटर ही चलती है जब हम ऊपर से ऑन करते हैं स्टार्टर से, तो ये मोटर चलती रहती है और ऊपर का पंप है जो घूमता नहीं है, इसलिए पानी ऊपर नहीं आता है। क्योंकि पानी जो है वो पंप ही ऊपर तक लेकर आता है और मोटर सिर्फ पंप को घुमाने का काम करता है। तो जब पंप ही नहीं घूम रहा है, केवल मोटर चल रहा है खाली, तो एम्पियर भी कम लेगा और बिल्कुल सही होने पर भी एम्पियर बिल्कुल कम दिखाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई लोड नहीं होता है। मोटर केवल खाली चल रही है, पंप नहीं चल रहा है। जब पंप चलता है तो एम्पियर बढ़ जाते हैं, जब मोटर पर जितना लोड बढ़ता है तो एम्पियर भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। जब मोटर की शाफ्ट इस प्रकार से टूटी हुई थी तो हमने क्या किया, जो ऊपर का पंप था उसका जो एम्पेलर भी कुछ टूट गए थे और झटका लगने की वजह से यह टूट जाता है। बहुत साल पुराना पंप जब हो जाता है तो ये नीचे से क्रैक हो जाता है। तो उसके बाद में इसकी जो अंदर की शाफ्ट नई डल जाती है और जो भी एम्पेलर खराब मिलते हैं वो भी नए डल जाते हैं। फिर से इसका काम होकर जब पंप आ जाता है तो वापस उसी प्रकार से फिटिंग करके आप डाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आसानी से ये पंप चल जाएगा और कोई इस मोटर के अंदर दिक्कत नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। उसके बाद में कोई भी सवाल सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें क्योंकि हम इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।